हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू बजाज पल्सर 220F का 2021 वेरिएंट मून वाइट कलर। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बोल रहे थे इस कलर ऑप्शन को दिखाने के लिए, तो फाइनली ये अवेलेबल हो चुका है। काफ़ी अच्छे लुक्स में ये आया है। इस बार स्टिकरिंग जो है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर यूज़ किया है। तो आज मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि क्या कुछ इसका प्राइसिंग है, क्या ये बाइक आपको 2021 में परचेस करना चाहिए या नहीं, या फिर फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट जनरेशन का जो है वो वेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि कोई भी आपकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स बाइक का फ्रंट से, लुक से। तो फ्रंट से आप देख सकते हैं बाइक कुछ इस टाइप का लगता है देखने में, जिसमें कि यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट में वाइज़र जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, और जो कि सेम आप बोल सकते हैं पहले के जैसा ही है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। लाइटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाता है, और नीचे में फ्रेंड्स हाई बीम लो बीम यहाँ दो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको फ्रेंड्स हेलोजन में ही DRLs भी देखने को मिलता है, पायलट लैंप्स आप इसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं न्यू डिज़ाइन आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है, कार्बन फाइबर टाइप का फिनिशिंग इस बार कंपनी यहाँ पे यूज़ किया है। तो लुक्स के मामले में फ्रेंड्स साइड से कुछ ऐसा लग रहा है ये देखने में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके टायर की, तो टायर आप देख सकते हैं सेम आपको यूरो ग्रिप का ही टायर्स मिलता है, जो कि पहले भी कंपनी आपको ऑफर कर रही थी। टायर सेटअप में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया है। सिंगल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर्स कंपनी इसमें आपको ऑफर करती है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा। तो रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाता है साइड से, और यहाँ पे आपको ABS का रिम दिख रहा होगा एक, जो कि फ्रंट से ये आपको सिर्फ सिंगल चैनल मतलब फ्रंट व्हील में ही ऑपरेटेड देखने को मिलेगा। आप टायर्स का प्रोफाइल यहाँ देख सकते हैं, सेम आपको टायर्स पहले वाला ही मिल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की, तो वो सेम आपको बल्ब में इंडिकेटर्स कंपनी प्रोवाइड करती है, और इसका स्टिकरिंग को देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। वाइट में बॉडी मिलता है पीछे का फ्रंट्स, और उसके ऊपर में रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन कंपनी ने इस बार यूज़ किया है वो साइड लुक काफ़ी अच्छा बना देता है इस बाइक का। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आपको नीचे में सेम 220cc का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट DTSI इंजन देखने को मिलता है, जो कि फ्रेंड्स लगभग में 20.4 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है, और 18.3 NM का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ही न्यू यहाँ पे 3D टाइप का कार्बन फाइबर फिनिशिंग इस बार कंपनी इंट्रोड्यूस की है, जो कि साइड लुक में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैट में कलर मिलता है ऊपर में, और नीचे में यहाँ पे 3D में आपको काफ़ी अच्छा इस बार ये जो साइड पैनल प्रोवाइड किया है कंपनी ने, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर हम इस साइड से बात करते हैं तो इसका सस्पेंशन सेम आपको मिल जाता है, जो कि आपको पहले मिल रहा था इंड्योरेंस के तरफ से शॉक एब्जॉर्बर्स, इसमें आपको मोनोसॉक्स नहीं मिलता है। अगर बात करते हैं इसके फॉन्ट का, तो फॉन्ट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, 220F की बैजिंग मिल जाती है ऊपर से, और रेड में स्टिकरिंग कंपनी इस बार प्रोवाइड कर रही है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में, तो एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं मैट में एग्जॉस्ट आ गया है इसमें, जो कि फ्रेंड्स मैट ब्लैक में है, और वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अलॉय व्हील्स पर आपको रेड में यहाँ पे स्टिकरिंग देखने को मिलता है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी मैच करता है इसके ऊपर के स्टिकर से। और अगर हम इस साइड से बात कर लेते हैं, तो बैक लुक आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है बाइक का। तो पहले के कंपैरिजन में, अगर आप 2020 के वेरिएंट के कंपैरिजन में इसे देखते हैं, तो ये ज़्यादा स्पोर्टी लगने लगा है देखने में, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है इस बाइक को, ज़्यादा और शार्पर लगने लगा है। स्टिकरिंग का जो यूज़ है वो इस बार काफ़ी डिफरेंट टाइप से किया गया है। अगर इस साइड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम फ्रेंड्स, अभी आप लेफ्ट हैंड साइड से बाइक को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड भी मिल जाता है, और सेम आपको ऑफ रोडिंग वाले टायर्स कंपनी प्रोवाइड करती है पीछे में, जो कि सेम आपको पहले वाला ही टायर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो टायर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, बस जो भी आपको चेंजेस देखने को मिलता है वो कलर स्कीम में ही यहाँ पे कंपनी ने चेंजेस किया है। अगर बात कर लेते हैं इस साइड से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको सेम सेटअप देखने को मिलेगा गियर का, 5-speed गियर बॉक्स का सेटअप आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर हम बात कर लेते हैं मीटर कंसोल वगैरह के बारे में, तो वो सेम मीटर कंसोल है फ्रेंड्स जो कि आपको पहले मिलता था, जिसमें कि न्यू फीचर्स कंपनी ने ऐड किया है, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है। क्लिप ऑन में हैंडल बार्स कंपनी प्रोवाइड करती है आपको, और काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स ऊपर से, आप देख सकते हैं बाइक को। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके टैंक पैड के बारे में, तो बिल्कुल ही यहाँ पर आपको न्यू डिज़ाइन का टैंक पैड देखने को मिलता है, जो कि फ्रेंड्स कार्बन फाइबर टाइप में यहाँ पर कंपनी ने दिया है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स देखा जाए, तो ये जो कलर ऑप्शन है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार देखने में। और अगर आप इस कलर को परचेस करने का प्लान बना रहे हैं, तो लगभग मैं आपको 1,50,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड प्राइसिंग पे करना पड़ेगा। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपके जितने भी डाउट्स होगी इस कलर वेरियंट को लेकर वो सब क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।